मेरे पास लोग आते हैं जो कहते हैं कि गुरुदेव हमारे बच्चे हमारी कदर नहीं करते हैं, उल्टे बोलते हैं, हमें कुछ समझते नहीं हैं, उनकी हमारे प्रति न श्रद्धा है न कोई विश्वास है। तो बेटा मैं कहता हूँ कि बच्चे तुम्हारे बिगड़े हैं, समाज की वजह से नहीं बिगड़े, वो तुम्हारे झूठ धोखे की वजह से बिगड़े हैं, तुम्हारे ही झूठ की वजह से बिगड़े हैं। क्योंकि बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो वह पूछता है कि क्या ईश्वर है, तो तुम्हें उन्हें एक मूर्ति दिखा देते हो कि यह ईश्वर है। कभी उसको भूख लगती है, क्या तुम रोटी की तस्वीर दिखा देते हो कि इसको देख लो और पेट भर लो। वह प्यास की इच्छा करता है, क्या कभी तुम पानी का फोटो दिखाते हो, तो फोटो से उसका पेट कैसे भरेगा। तुमने उसका विश्वास तोड़ा है। जब पहली बार उसने परमात्मा के बारे में पूछा था तो तुम्हें कहना चाहिए था, सत्य कहना चाहिए था कि मैंने बेटा परमात्मा कभी देखा नहीं, मुझे कभी मिला नहीं, तू भी खोज कर मैं भी खोज करूं, जब तुझे मिल जाए तो तू पहले मुझे बताना, मुझे मिल गया तो तुझे बता दूंगा। यह थी एक सत्य की बात, लेकिन तुमने हमेशा झूठ बोला है कि परमात्मा ये है। एक मूर्ति को, एक पत्थर को तूने परमात्मा उसे बताया है। अब बच्चे की श्रद्धा जब टूट जाती है, जब वह देखता है कि मेरे पिताजी तो झूठ बोल रहे थे, मेरी माँ झूठ बोल रही थी, तुम झूठे हो बेटा, तुम ढोंगी हो।